एक हम कविता लिख के लाए, एक सुनिए। कल तक ही लिखते हैं। कल तक जो भी सर कांग्रेस में मंत्री थे वो गलत थे, आज बीजेपी में आके सही हो गए। झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी भी नहीं, ना इनका ईमान है ना कोई इनका दिन है, जिसको अभी तक धूल के ही निकलता है, भाजपा सरकार की वॉशिंग मशीन है। नेता भी तोड़ दिया, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखते, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है। 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था आपकी बार 300 पार, हुए कि नहीं हुए? उसके बाद मोदी ने 2019 में नारा दिया आपकी बार 350 पार, हुए कि नहीं हुए? आपकी बार मोदी ने 2024 में नारा दिया 400 पार, होंगे कि नहीं होंगे? आपकी बार होंगे 400 पार मैडम। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखते, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है। मुसलमानों का साथ नाइन, एक भी मुसलमान वोट देगा नहीं देगा? कोई भी मुसलमान क्या नाइंसाफी किया, क्या नाइंसाफी? कौन जीतेगा 24 में? 2024 में बीजेपी जीतेगा। ये कह रहे कि इंडिया गठबंधन सुपड़ा साफ कर देगा बीजेपी का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने सुपड़ा साफ कर देगा, पता लगे इस बार से कांग्रेस का नाम भी न चले। कह रहे कांग्रेस का नाम ही खत्म। लो बाबू ऐसा है ना, ऐसा है ना, सुनो सुनो सुनो, पहले ये जो देख रहे हो ना, यहाँ जो खड़े हुए हो, ये जब धंसेगा ना, ये धंसेगा तभी तुम खत्म हुए हो। ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ना, अरे ये जो दिया हुआ है ना, ये कांग्रेस ही का दिया हुआ है जहाँ पे तुम हो। कांग्रेस सरकार ठीक है, अबे नोट निकाल। अरे ले भाई, ये देखो इसमें भी गांधी रहेगा और तब तक कांग्रेस रहेगी, तुम्हारे जैसे आएंगे और जाएंगे। 24 में कौन आएगा? ये बोलने देंगे? बोलिए। ये बोलने देंगे तो बोलेंगे, ये तो अभी ऐसे पता कितना शुरू हो जाएंगे, अभी देखना। बोलिए आप, बोलिए। 2024 में मैडम जैसे बोल रहे हैं, लोगों से पूछो, जो ये चुनाव होता है आम चुनाव जो होता है, इसमें कौन फैसला करता है? जनता। 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 300 मैडम, मोदी जी ने नारा दिया 2014 के अंदर अब की बार 300 पार, हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? 300 पार। उसके बाद मोदी ने 2019 में नारा दिया आपकी बार 350 पार, हुए कि नहीं हुए? आपकी बार मोदी ने 2024 में नारा दिया 400 पार, होंगे कि नहीं होंगे? आपकी बार होंगे 400 पार मैडम। मैडम ये जनता बोल रही है ना, आपकी बार नहीं नहीं नहीं, अरे भैया 543 पार, हाँ मोदी जी जो बोल देते हैं हो जाता है, ठीक है। क्या ये लोग कह रहे हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया मोदी के अंडर में है? एक चीज कविता, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखते, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है। अब से पहले, एक मिनट भाई साहब, 2014 से पहले सरकार भी इनकी। हेलो बात सुनो अब, हेलो कहाँ गया वो? ओ कविता, 2014 से पहले सरकार भी इनकी, ईवीएम भी इनकी, चलो डब्बों में वोट होते थे, प्रशासन भी इनका, सेंटर में गवर्नमेंट भी इनकी। क्यों सीएम जब हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, क्यों उस गोधरा कांड के अंदर साफ और सब स्वच्छ होके निकल गए? राहुल गांधी जी कह रहे हैं राजा की जान ईवीएम में, ईडी में, सीबीआई में है। गूगल खोल लो ना, अभी खोल लो गूगल, अभी गूगल खोलो। अरे मेरी सुनिए, लोग कह रहे हैं, विपक्षी गठबंधन कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं मोदी जी। बिल्कुल मैडम, जो गलत होगा उस पर बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी बात सुनो, जो देखिए 10 साल से सरकार में नहीं है वो सबसे ज्यादा चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और जो सत्ता में 10 साल से है ना, भारतीय जनता पार्टी का नाम अभी जो है ना, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है ना, अभी आना दीजिए कोर्ट, देख लीजिएगा, कोई नजर नहीं आएगा। पीएम केयर फंड, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला, अभी आपका एक हफ्ते के अंदर में मोदी जी भागते चलेंगे, ये कोई नहीं मिलेगा यहाँ जवाब देने वाला, आप देख लीजिएगा घोटाले की बात। देश में मोदी के लिए कोई नहीं, बहुत काम किया है जितना मोदी जी, काम किया है कोई नहीं, देखिए क्या काम किया है, बहुत काम किया है, सारे काम रोड पर दिख रहे हैं। क्या क्या है? इकोनॉमी, आईटी क्षेत्र, हमने मोदी जी को, मैडम वो कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। देखिए मैडम ऐसा है ना कि ये जो माहौल अभी यहाँ पे बनाया जा रहा है,
माहौल जो बनाया जा रहा है, आपसे बहुत देर से मेरी बात हो रही है, हमने कभी भी किसी को चोर नहीं कहा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग, कांग्रेस चोर, राहुल गांधी चोर, ये क्या भाषा है? यही भाषा मोदी जी सिखाए हैं 10 साल के अंदर में, और यही जो है इसी को देख करके जो है 400 पार होगा। जनता को समझ लेना चाहिए कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत ही नहीं है कि मोदी को हरा दे। देखिए देखिए एक चीज, एक मिनट 2012 तक ऐसा लग रहा था कि भाजपा खत्म हो गई है। याद कीजिए आप, 2012 तक ये खोजे चल रहे थे कि भाई भाजपा का जो है पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। महंगाई, बेरोजगारी, इसके भी कोई जवाब नहीं उठा रहा है। सही है, कितना महंगा हो रहा है, बेरोजगारी, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, सही है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है देश में। सही है, अभी इलेक्ट्रॉनिक जो घोटाला किया है, इसका जवाब मांगा है, दे नहीं पा रहा है। क्यों दे नहीं पा रहा है? बैंक का अंदर सब हिसाब रहता है, किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना पैसा उठाया, जवाब मांग रहा, क्यों नहीं देने पा रहा? किसकी बातों पे आप अच्छा? हम बोले तो बहुआ मार लिया, बहुआ मार लिया, हम बोले तो बहुआ मार लिया, सही है, ये युवा है, हम बोला तो बहुआ मार लिया, और तुम क्या मारा, तुमने क्या मारा? उसका मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया है, तो नाइन सा भी नहीं है क्या? क्या तोड़ दिया? मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, हाँ, एक मुसलमानों का मस्जिद तोड़ के वहाँ पे बना राम मंदिर, मेरा नाम पवन है, बोलो, राम मंदिर बना लिया, हाँ, जबरदस्ती, तो एक भी मुसलमान मोदी को वोट नहीं देगा। दूसरा मस्जिद भी तो बना दिया, मस्जिद बना दिया, वो तो अपना पैसे से बनाया, वो तो खुद मोदी नहीं बनाया, वो सऊदी अरब का, दुबई का पैसा दिया है, बॉम्बे का सबसे बड़ा पैसे वाला वो हमारा वो दिया है, याद हो, यहाँ नहीं बनाया। मुस्लिम का साथ नाइंसाफी किया है ना, मुसलमानों का साथ नाइंसाफी, एक भी मुसलमान वोट देगा? नहीं देगा, कोई भी मुसलमान। क्या नाइंसाफी किया? यहाँ पे जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद नमाज हो रहा था, जुम्मे का नमाज, सुनो, जुम्मे का नमाज हो रहा था जामा मस्जिद में, सही है, सारे बैरिकेड दिया हुआ था, सही है, तो जमात मिले, एक मिनट मिले जमात पकड़ लेता, तो उसने आके सड़क में बैठ गया है, उसको आके पुलिस वाला लात घुसामन, अगर कमेटी है, रोड पे थे, सुनो, कमेटी है, कमेटी को तो जाके बोलेगा, हैं, कोई गाड़ी ठोक देती तो, कोई गाड़ी को ठोकेगा, बैरिकेड भी था, सब कुछ था, कमेटी बने, कमेटी को तो जाके बोलेगा, उसके अंदर ऐसे जहर घोल दिया, जो देश का कानून है ना, उसका अंदर भी जहर घोल दिया, तो देश कैसे चलेगा? तो रोड पे भक्ति प्रदर्शन करना ठीक है? हाँ, हाँ, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो क्या उसको क्यों मारेगा? ये बात है सबका, अभी कोई हिंदू पूजा करेगा उसका घर में जाकर हम लात मारेंगे? बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, हम विरोधी नहीं है, हम विवाह से देश के लिए आवाज उठा रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा जो लीक हो रहा है, युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है, आवाज उठाने का गलत है, युवा कह रहे हैं नौकरी मिल रही है, कैसा घुस गया था चार आदमी, अगर संघ से सुरक्षित नहीं है, देश कैसे सुरक्षित रखेगा? इंडिया गठबंधन चलाएगा कैसे देश? उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है प्रधानमंत्री पद का, है ना, राहुल है, राहुल पढ़ा लिखा है, युवा है, राहुल केजरीवाल है ना, देखो केजरीवाल बीजेपी, लोग कह रहे कि बीजेपी उनको वैसे गिरफ्तार करने पर तुली हुई है, अलग अलग घोटालों में फंसाए जा रहे हैं। तेरी बारी आए ना तब बोलियो भाई, पहले से गिरफ्तार कर लेगा, कितना दिन से ऑरेंज दे रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, खाली बोले गिरफ्तार करेंगे, अरे करके तो दिखाओ, करना चाहिए, और करके तो दिखाओ, दाम है तो करके दिखाओ, दाम है तो करके दिखाओ, गिरफ्तार, खाली लूटी दे रहा है, गिरफ्तार करेंगे क्या क्या गलत? वो कह रहे मेरे खिलाफ साजिश है, इसका बांग्लादेशी है, इन लोग का जगह दे दिया, 5 किलो राशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, समझो, उसका केजरीवाल का खिलाफ जो बीजेपी के बारे में बोलेगा वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, बाकी ये जो बीजेपी के बारे में बताएगा वही बस हिंदू है, बाकी कोई नहीं हिंदू, इनके बंटवारे का हम कविता सुनाते हैं, भावर जब डूबेगा, भावर
और जब डूबेगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ये मछलियां, तुमको एक चारा देकर मारेगा। बड़ी चलाक है बीजेपी वाले, तुमको एक दिन सहारा देकर भी मारेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्या हुआ ऐसा जो ऐसा कह रहे हो? मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे। हम कौन से अच्छे दिन आए हम बताएं आपको? हम बताएं अच्छे दिन? देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है, पेपर लीक होता है, ठीक है, हम बताते हैं आपको। और उसके बाद युवाओं को दौड़ा के क्या कर, जब यदि आप रिचेक कराने जाएंगे तो युवाओं को दौड़ा के लाठी बरसाई जाती है। ये होती है हमारी सरकार गवर्नमेंट की, ठीक है। तो बताएं कहाँ से होगा, अब बताएं। वो कह रहे कि देश की छवि सुधार दी, देश की छवि सुधार दी। हमारे उत्तर प्रदेश की कहानी सुनिए, इतनी योजनाएं परियोजनाएं दे दी। मेरी कहानी तो सुनिए, जहाँ प्रश्नों से पहले उत्तर मिल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक है मैम। और हर व्यक्ति को भेज देंगे केस में, आप फार्म तो भरिए हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कहते हैं मोदी वॉशिंग मशीन बीजेपी में शामिल हो जाओ तो काले का सफेद हो। एक हम कविता लिख के लाए, एक सुनिए। कल तक ही लिखते हैं, जब कल तक जो कांग्रेस मंत्री थे वो गलत थे, आज बीजेपी में आके सही हो गए। झूमते हैं साफ सारे जाने के सीबीन है, न इनका ईमान है न कोई इनका दीन है, जिसको भी देखो धूल के ही निकलता है, भाजपा सरकार की वॉशिंग मशीन है। नेता भी तोड़ दिया, बीजेपी में रेड गिरेगा ना, सारे बीजेपी जेल में जाएगा, सारे घोटालाबाज बीजेपी में, वहाँ पे जाता तो फ्रेश हो जाता है। बीजेपी में रेट मराने बोलो ना ईडी सीआईडी को। एक चीज़ बता रहा हूँ, राहुल गांधी का की पैगाम है, राहुल गांधी का की पैगाम है, हर तूफान से जो टकराए आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा।